दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन पर ईडी की कस्टडी 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उनकी पेशी हुई, जहां पर कोर्ट ने यह फैसला दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। लोगों ने बहुत अपोज किया उस एप्लीकेशन का कि उनकी रिमांड एक्सटेंशन एप्लीकेशन में जो उन्होंने ग्राउंड्स लिए थे वो बल्कि वो हंसी का पात्र है। लेकिन अब चूंकि एक इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है तो इसलिए कोर्ट ने, वो तो और मांग रहे थे, पर कोर्ट ने उन्हें 3 दिन का और समय इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये मोबाइल फोन नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, मतलब वो बहुत ही फिल्म से ग्राउंड था, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, वो आप रिमांड एप्लीकेशन में देख लेंगे। पर उसका हम लोगों ने बहुत जम के विरोध किया और सिर्फ उनको 3 दिन की ही फर्दर एक्सटेंशन दिया है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, संजय सिंह को 3 दिन के लिए और ईडी की कस्टडी में रहना पड़ेगा, क्या दोनों तरफ से बातें आज रखी गई, क्यों कस्टडी मिली है ईडी को दोबारा? देखिए, संजय सिंह 5 दिन की ईडी की रिमांड पर थे और आज उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि कोर्ट में पेश होने के वक्त उन्होंने मीडिया को कुछ बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी उनको कितनी यातनाएं देती हैं ये देखना होगा। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह जब भी कोर्ट में पेश होंगे उस दौरान मीडिया को बयान नहीं देंगे, तो पहली बात तो यह है। इसके बाद कोर्ट ने संजय सिंह की 5 दिन की और रिमांड मांगी और कोर्ट में ये कहा कि जो संजय सिंह हैं वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके पास से जो मोबाइल का डेटा मिला है उस डेटा के बारे में वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। उनका जो करीबी है सर्वेश मिश्रा, वो भी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और जो सर्वेश मिश्रा है उसको भी पूछताछ के लिए दोबारा से बुलाया गया है, हालांकि एक बार उससे पहले पूछताछ हो चुकी है। इसका संजय सिंह के वकीलों ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि कस्टडी की ज़रूरत नहीं है, कस्टडी तब मांगी जाती है जब जांच एजेंसी के पास कोई पुख्ता सबूत हो, वो कोई पुख्ता आधार हो। लेकिन जो ईडी का रिमांड नोट है वो पुराना रिमांड नोट है, जिस तरह से पहले ईडी ने कस्टडी मांगी थी वही सारी बातें इस बार भी ईडी ने अपनी कस्टडी के का जो रिमांड नोट है उसमें सारी बातें वही लिखी हैं। हालांकि ईडी ने कोर्ट में कहा कि 5 दिनों के दौरान जब संजय सिंह से पूछताछ हुई तो कुछ नई बातें सामने आई हैं। ईडी ने इस दौरान चंडीगढ़ में कारोबारी के यहाँ रेड की और रेड करने के बाद उस कारोबारी का बयान दर्ज किया है, लेकिन अभी उस कारोबारी के बयान के बारे में वो कोर्ट में नहीं बता सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो कोर्ट है उसने संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है, यानी अगले 3 दिन अब वो ईडी की रिमांड पर रहेंगे और उनसे जो फर्दर पूछताछ है वो होगी। सर्वेश मिश्रा जो करीबी है उनका, उसको भी ईडी ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। जी,